handle me from the first step to the last step, I will handle you from this first step till the last breath of my life. जानता हूँ जब भी तुम ये गाना सुनती थी हमेशा तुमने हमारी शादी ही इमेजिन की है और देखो आज वो दिन आ ही गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी।
डांस हर कोई करता है, हम डांस नहीं करेंगे, हम अपनी स्टोरी बताएंगे। ए माइक वाले बेस बढ़ाओ यार, सबको पता चलना चाहिए कि हमने कितने अप्स एंड डाउन देखे हैं।
कभी सास ससुर नहीं मानूंगी। 2023 बेस्ट ईयर, आपने मुझे इतनी ढेर सारी रिंग्स गिफ्ट की है पर कभी पहनाया नहीं। हमेशा कहा कि जब भी पहनाऊंगा फैमिली वालों के सामने पहनाऊंगा। आर एंगेजमेंट डेट 5th February, आपने पूरी फैमिली के सामने एक्सेप्ट किया और पूरी फैमिली के सामने ये प्रपोज नहीं, बिकॉज यू नेवर प्रपोज मी फॉर अवर मैरिज, यू ओनली प्रपोज मी फॉर द रिलेशन। और आपने बोला शादी के लिए सिर्फ घर वालों के सामने प्रपोज करूंगा। हियर इज माय 8th step and 8th प्रॉमिस टू यू। जैसे आप फैमिली वालों के सामने आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं पूरी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट कर रही हूं। दैट आई एम इन लव विद यू, आई एम इन लव विद यू फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट ब्रेक ऑफ माय लाइफ। आई डोंट रिमेंबर माय फर्स्ट विश। और हर महादेव। आई डोंट रिमेंबर माय फर्स्ट विश, बट यू आर द माय लास्ट विश। I want to take my last breath in your arms. 2024. क्या बताऊँ मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे इतने नसीब से। अभी जो दुपट्टा मेरे हाथ में है, लोगों को इसकी कहानी पता ही नहीं। ये सिर्फ दुपट्टा नहीं, मेरे प्यार की निशानी है, क्योंकि मैंने पहली बार आपको किसी ड्रेस में देखा था। टीवी पर तुम्हें ग्रीन सूट में देखकर बस एक ख्याल आया था, शादी तो इनसे ही करूंगा। लेकिन कभी सोचा नहीं था सच में पूरा होगा। लेकिन राम जी ने अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाया है, जिसे भी मैंने चाहा है उन्होंने उससे ही मुझे मिलाया है। रात है जो बहुत खुश नसीब आए, जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। जानता हूँ जब भी तुम ये गाना सुनती थी हमेशा तुमने हमारी शादी ही इमेजिन की है, और देखो आज वो दिन आ ही गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा। तेरे कांधे का जो दिल है वो तेरे सीने में, जो दिल है वो तेरी बिजली का, जो दिल है ख्वाबों का का समंदर, पिन कोड का नंबर। आज से तेरा। हाँ जानता हूँ तुम अपने घर की सबसे छोटी और सबसे जिद्दी लड़की हो, जहाँ तक सबसे सुना और देखा एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो, लेकिन मेरा टेम्पर बहुत ही पेशेंटली एंड परफेक्टली हैंडल कर लेती हो। याद है मुझे आज भी जब मम्मी ने कहा था ये जल्दी सॉरी नहीं बोलती, लेकिन मैं उन्हें क्या ही बताता, मेरे नाराज हो जाने पर मेरे लिए तो सॉरी के फूल ही बना देती है। गलती हो या ना हो अपना ईगो साइड रख कर मुझे मना ही लेती हो। जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो, अपना घर परिवार सरनेम आदतें सब बदल कर मेरे पास आ सकती हो, तो ऐसी बीवी की थोड़ी सेवा करने में क्या बुराई है।
मैं वादा करता हूँ जैसे हर सिचुएशन में आप मेरे साथ हो मैं भी हमेशा रहूँगा, और मेरी इस हरकत को कोई गुलामी कहे तब भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी सांसों में चोरू आगे चोरू पीछे चोरू आए चोरू पाए चोरू 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 मैं चोरू चोरू कहूँगा मैं चोरू कहूँगा बनके रहूँगा चोरू कहूँगा चोरू चोरू कहूँगा बनके तो ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइज। तो ये है मेरे वेडिंग व्लॉग का पार्ट 3 गाइज, एंड आई होप कि आप लोगों ने हमारे एंट्री, हमारे जयमाल, हमारे डांस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया हो। ये गाइज सिर्फ एक मेमोरी नहीं, एक मोमेंट है जिस चीज को मैं अभी भी लिटरली जी रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मैं गाइज अपनी फीलिंग को फिलहाल मैं वर्डिंग में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मतलब अपनी हैप्पीनेस किस तरह से दिखाऊं आप लोगों को। बट एनीवेज गाइज, अभी हम लोग बैठे हैं जयमाल के स्टेज पे, पूरे के पूरे हमारे फैमिली मेंबर्स हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। गाइज हर एक फैमिली मेंबर को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, जिन लोगों को इंट्रोडक्शन चाहिए वो हमारे प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 वाले व्लॉग में जाइए या हल्दी वाले व्लॉग में, आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा गाइज। बिकॉज कंटिन्यू गाइज सबका इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज्यादा बोरिंग पार्ट बन जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे रखा है। एंड शुभम ने जो गिफ्ट दिया गाइस उसका ये मानना है कि ये गिफ्ट सभी लोगों के सामने अनबॉक्सिंग किया जाए। तो गाइज ये जो आंसू थे ये खुशी के आंसू थे, एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे वन एंड ओनली शुभम को। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो गाइज फिलहाल में बाबू के घर वाले हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, एंड गाइज मैं इस व्लॉग में वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ गाइज सारी चीजें ओरिजिनल रहे। जब मैं इसको फ्यूचर में देखूँ तो मुझे सारी की सारी चीजें एज इट इज मिले। आई नो गाइज की जो लोगों ने यहाँ तक व्लॉग देखा है वो डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करेंगे ही, मोस्ट ऑफ द गाइज ये जो हमसे रिलेट कर पाते हैं वही लोग ये व्लॉग को आगे देखेंगे कंटिन्यू। बस गाइज जयमाल के बाद शादी बैठता है, फेरे होते हैं, सो सभी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते जो हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, जो हमारे लाइक रिलेटिव्स होते हैं या हमारे आसपास के लोग, अदर स्टेट से भी जो लोग हमें कनेक्ट कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द वही लोग कंटिन्यू रहेंगे इस ब्लॉग पे आगे। आई होप कि मैं गलत हो जाऊं, मैं तो चाहूंगा कि मेरे ब्लॉग को सभी लोग देखें। आई नो कि यहां से बहुत ही ज्यादा लोग नंबर्स कम हो जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कपल्स को देख के आगे अट्रैक्ट होके देखते हैं, इसलिए मैं यहां से गाइस जितना हो सकेगा पॉसिबल मैं चीजों को ओरिजिनल ही रखूंगा, कोई भी वॉइस ओवर मैं इसमें नहीं ऐड करने वाला हूं। गाइस यहां से तो हमारा फोटोशूट स्टार्ट हो गया है, एंड इस अल्टीमेट हैप्पीनेस का राज हमारी मिसेज ने आपको सारे प्रॉमिसेस में तो बता ही दिए हैं। तो मैं अपना और हमारी मिसेज का इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ गाइस, अगर आप लोगों का मन करे तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट कर सकते हैं, फोटो पसंद आएगा तो लाइक भी कर सकते हैं, हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं रोकेंगे आप लोगों को। एंड गाइस हमारा फोटोशूट चल ही रहा था, इसी बीच हमारे भाइयों ने हमें ज्वाइन किया, बिकॉज ये लोग रह गए थे। जो आप लोग
देख रहे हैं गाइज, इसको चौपता कहते हैं। चौपता मींस गाइज जो हम लड़की के लिए ड्रेस या साड़ी ले गए होते हैं, जब भी शादी बैठता है तो वहाँ पे हम जो ले गए होते हैं वो सूटकेस वहाँ पे ओपन होता है एंड उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है गाइज कि हम क्या क्या लेके आए हैं। सो टोटल 20 साड़ी एंड 11 ड्रेस हम लोग लेके गए थे एंड ये गाइज टोटल श्रृंगार का सामान है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं एंड इसका पर्पस बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं है गाइज। बहुत लोगों को ये चीज जानना होता है गाइज जो कि हमसे रिलेट कर पाते हैं, हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो शायद से वीडियो में देख के उन लोगों को कंफ्यूजन होता हो जिस वजह से सारी चीजें मैंने बता दिया। सो चौपता एंड श्रृंगार के बाद गाइज ये रहा ज्वेलरी जो कि हमारी फैमिली हमारी दुल्हन के लिए लेके जाती है एंड इसका लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है कि गहना क्या क्या चढ़ा है। तो हम लोग गाइज टोटल 10 ज्वेलरी लेके गए थे जिसको कि वहां पे कहा जाता है कि टोटल 10 थान गहना चढ़ा है। जो भी चीजें आई होती है गाइज इसको पहले भगवान को समर्पित किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। सो गाइज अब ताकपाट होने जा रहे हैं जिसके लिए हमारी मिसेज आ रही हैं एंड ये करते हैं हमारे बड़े भाई यानी कि दुल्हन के जेठ। ओम गंधद्वारा दुरादर्शान पुष्पां परिक्रमि सर्वं सर्वभूतानां तायं यमपरिस्थितिं नमोऽस्तु कामाराय वसि अर्पो गोपान्ते रूपात्रायाय सप्रादवाय जयं कीर्तन सर्वदा देवतारा बदन सर्वदं प्रभानं आनंदमानंदवने वसंतम् सो गाइस ताकपट तो हो गया है अब मैं आ रहा हूँ बिकॉज अब गाइस शादी बैठने जा रहा है। एक ही चादर में ऐसा कौन सा जोक मारा जा रहा था कि निखिल हंसते हंसते अचानक से चुप हो गया, उसको याद आ गया कि वो चादर से बाहर है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे ऐसे करके हो गया। ओम समंजन्तु विश्वे देवा श्रीधरं राधिकाराधितं राधिकाराधितं इंदिरा मंदिरं चित्तसा सुंदरं So guys, अभी जो रिचुअल हो रहा है इस रिचुअल को धार तोड़ना कहते हैं एंड इसको दुल्हन के भाई करते हैं। यस्य धर्मस्य चतुर्थ्या सुवर्णया सह धर्मे नादि चर्तव्य पुनः नादि राम। आप इसके सहयोग से मोक्ष की प्राप्ति करना, तो आपने कहा मैं ऐसा ही करूंगा। तो गाइस अभी कन्यादान होने जा रहा है जो कि दुल्हन के घर वाले करते हैं। ओम विराजो दो विराजो दो मसी मई पाद्या विराजो दो ओम कन्याकुमारी नमः। ओम अक्षता पांडुवर चरणाभ्याम नमः।
ओम कन्याकुमार्यै नमः चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसति। एक कन्या का उसी वर को जितने भी उसके शिक्षित तक होते हैं वो दान करते हैं। ओम विराजो दोहो श्री विराजो दोहो मसीह मई पादया इस रिचुअल को लावा परचना कहते हैं। ये भी दुल्हन के भाई ही करते हैं। ओम यम नायु ओम यम नायु ओम इमाम ला ओम भगाय स्वाहा पूरा बेटा ओम शांति शांति बनस्पति शांति लगा रहा है। तो तेरा सातों वचन पहले किए थे ना तीन तीन छह हो गया ये तो फाइनली गाइज हमने कंप्लीट किया अपने लाइफ के सात फेरे। अब सुनते हैं सात वचन होता और हम संकल्प में क्या पढ़ते हैं। जब संकल्प करते हैं तो पढ़ते हैं कि मैं इस कन्या को इसलिए दे रहा हूँ पित्राणाम तारणाय पितरों के तारण करने के लिए। जब वो सातवां कदम रखती है तभी उसका गोत्र क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है और उससे जो संतान होती है वही उसके पति के पितरों का उद्धार करती है। पूर्ण उदय हुआ हमने देवी पूजन किया जिससे आज आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए और इसमें हमारे माता पिता का भी सहयोग रहा। अब हम दोनों लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा धैर्य धारण करना पड़ेगा। जब तक मैं घर पर रहूं तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो और सामाजिक उत्सवों और देवी देवताओं के दर्शन करो फिर हंसी मजाक करो पराए घर जाओ। जब मैं घर पर न रहूं परदेश रहूं तब इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। यह जो है पहले वाक्य में कह रहे हैं दूसरे में कह रहे हैं कि ये है और वो तारा थोड़ा ऊपर देख लीजिए वो तारा भी साक्षी है पांचवे में कह रहे हैं वह लास्ट जो है अंतिम अनिवार्य बात कर रहे हैं बिना पत्नी के यह आश्रम धर्म का पालन पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा काम करो ऐसा कार्य करो जिससे कि हमारा आप पर हमेशा विश्वास बना रहे अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो अब तुम मेरी बामांगी बनो। यह जो है पर के पांच वाक्य है। सो गाइस अब मैं अपनी मिसेज को सिंदूर डाल रहा हूँ जो कि सबके सामने नहीं डाला जाता। सो गाइस अब मैं अपनी मिसेज को मंगल सूत्र पहना रहा हूँ। सो गाइस अभी सिंदूर बहुरा जा रहा है जो कि दुल्हन की बहन कर रही है एंड उसके बदले में उनको नेक दिया जाता है। दक्षिणा
लीजिए, आप संतुष्ट रहिए। आजा करा दे सर्वप्रथम पूजन कर रही है कन्या और ओम वहाँ चढ़ा दीजिए। ओम हिरण अभिषेक बोल हम बोल रहे हैं अपने हिसाब से अभिषेक की यानी लड़की लड़का ऐसे रहे बताओ। नहीं नहीं जैसे है वैसे पहने रहे पाए दहने अंग माया ददात उसके बाद बामांग उसी लिए बामांग पढ़ा जाता है इसीलिए बामांग में तो उसमें बामांग पहले सुने पहले सुन भैया सुन लीजिए बामांग में गई बामे सिंदूर दानी छे तुम्हारा। श्री राम जी और महादेव की कृपा से हमारी शादी एकदम अच्छे से संपन्न हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र जी की, वृंदावन बिहारी लाल की, अमर सुत हनुमान जी की, हर 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 ऐसे मिलाओगे प्यार से प्यार से बता देखो टैलेंटेड देखो आप देख नहीं रहे सामने देखिए अरे कैसे देख हां आप देखिए प्लीज अब शर्मा रही है वाइफ हो गई है बड़ा 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 देखिए बहुत चलाक है तो ये रहा गाइस मेरा एंड मेरी मिसेस का मॉर्निंग का फोटो शूट एंड ये है हमारा कॉन्ट्रास्ट आउटफिट। सो कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। फोटोग्राफर जो जो बोल रहे थे हम उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे। एंड ये रहा गाइस मेरा इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो कि मैं नीचे से लेके ऊपर तक आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो ये भी आप लोग कॉमेंट में बता देना। फोटो शूट के बाद गाइस हमारी मिसेस की विदाई है जिसमें रो रो कर उनका हाल इतना बेहाल हो गया कि मुझसे तो देखा ही नहीं गया। तो
गाइस मैं तो बैठ गया हूँ दही गुड़ करने के लिए एंड इसमें दुल्हन के फैमिली मेंबर्स गाइस कुछ ना कुछ देते हैं एंड ये एक रस्म होता है। तो गाइस ये है हमारे मिसेस की भाभी जी जिन्होंने मुझे वॉच दिया एंड वॉच बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, मैं तो उसे अभी भी यूज कर रहा हूँ, सो थैंक यू फॉर दिस भाभी जी। तो गाइस सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, बहुत ही ज्यादा अपना प्यार दिया मुझे, प्रॉपरली सबके गिफ्ट याद नहीं है, मैंने घर पे अनबॉक्सिंग किया है, मैंने उसका वीडियो बनाया भी है। फिलहाल में गाइस मैं एक एक जन का गिफ्ट अगर दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, जैसा कि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो ही चुका है। तो गाइस ये है दुल्हन के सिस्टर जिन्होंने हमारे लिए शर्ट पैंट लिया था एंड ये जो स्मार्ट वॉच है गाइस ये हमारे साले जी ने हमारे लिए लिया था अपने पॉकेट मनी से बचा के। जब इतनी सारी चीजें मिल गई थी तो रिंग देने की क्या जरूरत थी, लेकिन ठीक है दुल्हन के सिस्टर है उन्होंने प्यार से दिया तो मैंने भी प्यार से उस चीज को बहुत ही हंसते हुए स्वीकार कर लिया। और गाइस गोल्ड रिंग के बाद ये जो गोल्ड चैन अनबॉक्सिंग हो रहा है ये हमारे मिसेज ने हमारे लिए बनवाया है, लेकिन वो टाइम पे वो तो पहना नहीं सकती थी, सो गोल्ड चैन भी हमारी साली जी ने ही हमें पहनाया एंड ये पहनने के बाद गाइस मैं खुद को बहुत ही ज्यादा भारी महसूस करने लगा था। गाइस शायद से हमारी मिसेस के पास बहुत सारे पैसे हैं जिस वजह से उन्होंने गोल्ड चैन देने के बाद भी एक गोल्ड रिंग अलग से बनवा के रखा था, सो ये भी वो पहना नहीं सकती थी जिस वजह से उनके जीजा जी ने हमें गोल्ड रिंग पहनाया। तो गाइस ये हमारे दुबे भाई जी जिन्होंने एकदम अनएक्सपेक्टेड चीजें करके मुझे तो हैरान ही कर दिया। गाइस इतना सब कुछ मिलने के बाद भी इन्होंने भी गाइस मेरे लिए गोल्ड रिंग लाया था एंड गोल्ड रिंग को जबरदस्ती हाथ में डाल रहे हैं एंड कैमरामैन से इतनी सेटिंग थी कि कैमरामैन ने इनको जूम इन जूम आउट कर दिया, उसके बाद धीरे से मेरे भाइयों को घूस की तरह पैसे पकड़ा के वहां से ये निकल जाते हैं। ठीक सर, तो गाइस अभी फैमिली मेंबर मड़वा हिला रहे हैं, मड़वा हिलाने के बाद गाइस सब घर के लिए निकलेंगे एंड अभी आप नीचे देख के नोटिस कर पा रहे होंगे कि जमीन बहुत ही ज्यादा गीला है, पूरी रात बारिश हुआ। गाइस मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को कुछ भी पता ना चल सके, बारिश के वजह से बहुत सारी चीजें स्पॉइल हो गई गाइस, जैसा कि हमारा शादी का मंडप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सजाया गया था, पूरे द्वार का डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, फ्लोर डीजे लगा था कि सब लोग डांस कर सके। बेस्ट पार्ट ये था गाइस कि द्वार पे ही बजरंग बली का मंदिर था एंड टेंट वाले ने बहुत ही ज्यादा अच्छा डेकोरेशन किया था मंदिर में, तो हमारी पूरी शादी मंदिर में ही हुई। सो अब आगे का सीन गाइस हमारे घर का कंटिन्यू करेंगे बिकॉज दुल्हन की गाड़ी घर पे पहुंच चुकी है। इधर देखो इधर। एंट्री के टाइम पे निखिल के पटाखे ने फिर से धोखा दिया। गाइस हमारी एंट्री के पहले ही हमारी बहनों ने हमारा रास्ता रोक रखा है बिकॉज गाइस हमें एंट्री करने से पहले हमारी बहनों को कुछ पे करके अंदर जाना पड़ेगा। दरवाजा छोड़ो। गाइस घर पे आने के बाद गोबर में जाकर 5 बार दही गुड़ करते हैं जो कि बहुत शुभ होता है। तो फिलहाल मैं गाइस इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको हमारा वेडिंग ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया हो। बहुत लोगों ने हमसे कहा गाइस कि हमें जो लाइफ मिली है वो करोड़ों में या तो लाखों में किसी एक को मिलते हैं, सभी के नजर में हम बहुत ज्यादा लकी हैं। हाँ हम लकी तो हैं गाइस, लेकिन हम पर राम जी की भी उतनी ही ज्यादा कृपा है जितने की हम अपने आप को लकी समझते हैं एंड सारे प्रोमिसेस तो गाइस आप लोगों ने सुने ही। एनीवेज गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। कहीं नारा है कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।